हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर डिजिटल एक्सपोर्ट टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। सो आज के पर्टिकुलर इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आप पर्टिकुलर वर्ड में कुछ भी टाइप करते हैं, हिंदी हो गया फ्रेंड्स या फिर इंग्लिश हो गया, जो भी आप टाइप करते हो, और फ्रेंड्स अगर चाहते हैं कि उसे मैं PDF में कन्वर्ट करना, तो फ्रेंड्स आप इसे PDF में किस तरह से फ्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, सो आज के पर्टिकुलर इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आप PDF में कन्वर्ट करने के लिए फ्रेंड्स आप एक तो ऑनलाइन कन्वर्ट करते हैं, या फिर फ्रेंड्स एक बहुत सारे एप्लीकेशन आता है जिसमें फ्रेंड्स आप PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स इसमें एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्या है कि 7 दिन या फिर 14 दिन के बाद वो एक्सपायर हो जाता है, और फ्रेंड्स आपको बोला जाता है कि इसे परचेज करने के लिए। ओके, तो फ्रेंड्स आप अपने सिस्टम में कौन सा ऑफिस को इंस्टॉल करें जिसमें फ्रेंड्स आप फ्री में PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आप PDF के साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको यहाँ पर बहुत सारे और भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे फाइल पे क्लिक किया हूँ, और फाइल पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सेव। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएट PDF, और यहाँ से फ्रेंड्स आप PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही ईजिली तरीका से। सो मैं अपने सिस्टम में जो वो ऑफिस 2010 यूज कर रहा हूँ, इसमें फ्रेंड्स आपको जो है वो बाय डिफॉल्ट PDF का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि फ्रेंड्स आप बहुत ही ईजिली तरीका से PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो का मकसद यही था कि फ्रेंड्स आप किस तरह से आप कौन सा एप्लीकेशन अपने सिस्टम में इंस्टॉल करें जिसकी हेल्प से फ्रेंड्स आप फ्री में PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं आप वर्ड में जो भी टाइप करें। ओके, तो फ्रेंड्स आप अपने सिस्टम में ज़रूर ऑफिस 2010 इंस्टॉल कर ले। ओके, तो इसके हेल्प से फ्रेंड्स आप फ्री में वर्ड में आप जो भी टाइप करेंगे उसे आप फ्री में PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज फ्रेंड्स अगर आपके पास कोई और अनदर वर्जन है, तो फ्रेंड्स इसके लिए पर्टिकुलर आपको एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा, या फिर इसके बाद फ्रेंड्स आप इसे परचेज करना पड़ेगा। ओके, तो आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ फ्रेंड्स आपसे एक और नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच गाइज।